आप लोगों के सामने केमिस्ट्री का एक शानदार और बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेके आया हूँ। आज का जो टॉपिक है हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट मास एंड ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो मैं पहले टॉपिक लिख लेता हूँ। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोगों का पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा मास बाय इक्विवेलेंट वेट। अब हमें देखना है कि ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है और ये इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है मोलर मास बाय एक्स। एक्स का मीनिंग होता है फैलेंसी फैक्टर। अब हम फैलेंसी फैक्टर को कैसे फाइंड करें वो देखने के लिए हम लोगों को पहले कुछ एग्जांपल करना पड़ेगा। तो एग्जांपल देखिए, मेरा पहला एग्जांपल है H3PO4। इसका अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो फॉर्मूला होगा P(OH)OH एंड OH। इसमें हो गया ना 3 हाइड्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन एंड P। इसका अगर हम लोग X निकाले तो ये होगा 3, क्योंकि अगर हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव करने के सोचे तो ऑक्सीजन से तो 3 हाइड्रोजन हम लोग रिमूव कर सकते हैं इससे। तो इसका बेसिसिटी होगा, इसको हम लोग बेसिसिटी भी बोल सकते हैं, तो इसका बेसिसिटी होगा 3। इसी तरह दूसरा एक एग्जांपल देख सकते हैं, वो है H3PO3। तो इसके लिए हम ड्रॉ कर सकते हैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये होगा ऐसे, तो अब इसका अगर बेसिसिटी देखे और X देखे तो ये होगा 2, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे हट जाएगा तो इसका बेसिसिटी होगा 2। तो हम अगर इसका कुछ एग्जांपल ले ले उसका, अगर इन केस ऑफ सॉल्ट लाइक Na2CO3, इसका अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट निकाले तो इसका लेना पड़ेगा हम लोग मोलिकुलर वेट बाय इसका 2 होगा एक्स Na2+, तो इसका एक्स होगा 2। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला इसका ये होगा। और एक दूसरा भी टाइप का सॉल्ट होता है, वो है Al2SO4 3। तो अगर हम इसका एक्स निकाले तो इसका एक्स 2 नहीं होगा या 3 नहीं होगा। हम लोगों का अभी देखना पड़ेगा एल्यूमिनियम का हम लोगों का फैलेंसी क्या होता है 3+। अगर इसका हम फॉर्मूला देखें तो इसका 2 होगा, SO4 का तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 2 3 6 होगा, इसका X होगा 6। तो इसका अगर हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का सोचे तो ये होगा इसका मोलिकुलर वेट बाय 6। और लास्ट में हम एक एग्जांपल करने के लिए जा रहे हैं, वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट देखें तो इसका मोलिकुलर वेट क्या होगा, सोडियम का 23, ओ 2 है, ओ 1 है, तो सोडियम ऑक्सीजन का होगा 16, हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट होगा 1। उसका मोलिकुलर वेट हो गया, उसके बाद जो होगा एक्स होगा, सोडियम ही तो निकल जाएगा ना, OH निकल जाएगा ना, तो एक्स होगा 1। तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट होगा 40 ग्राम इक्विवेलेंट। अब एक इजी ट्रिक है ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का, वो इजी ट्रिक होगा अगर आपको एक क्वेश्चन दे फाइंड द ग्राम इक्विवेलेंट वेट इन 3 मोल ऑफ
H2SO4। तो इसका शॉर्टकट होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू x इंटू एन, ये फॉर्मूला होगा। तो n n इक्वल टू मोल, तो नंबर ऑफ मोल होगा 3, दिया हुआ है 3 मोल, 3 इंटू एक्स एच टू एस ओ फोर का x कितना होगा, एच टू एस ओ फोर का 2 होगा, हाइड्रोजन 2 है तो x 2 होगा, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा 6। तो यही था आज का इजी टॉपिक और शानदार टॉपिक केमिस्ट्री का। इसी के साथ मेरा लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।